यहां सद्गुरु भौतिक शरीर को चेतनाहीनता से चैतन्य की ओर ले जाने के बारे में समझा रहे हैं। सद्गुरु स्पष्ट कर रहे हैं कि योग की दृष्टि से तो भौतिक शरीर भी दिव्य ही है। वे प्रत्येक गतिविधि में चेतना को लाने की बात करते हुए इस चेतनाहीन मांस के पिंड को एक चेतनामय दिव्य शरीर में रूपांतरित करने की संभावना के बारे में समझा रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं, योग का एक पहलू यह भी है कि उन कामों को चेतन या स्वैच्छिक कार्य में बदला जाए जो हमारे अंदर अपने आप चलते रहते हैं, यानी वे कार्य जिन्हें हम अपनी इच्छा से चला या रोक नहीं पाते। आपका सांस लेना, छोड़ना, हृदय धड़कना, लिवर का काम करना आदि, ये सब अनिश्चित अथवा स्वतः चलने वाले कार्य हैं। जो भी हमारी शारीरिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है वह सब अनिश्चित है, स्वतः चलता है, क्योंकि प्रकृति को आप पर विश्वास नहीं था। अगर आपके महत्वपूर्ण शारीरिक अंग आपकी इच्छा के अनुसार काम करते तो आप उनसे कुछ पागलपन कर सकते थे। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो आदत से मजबूर होकर की जाने वाली मानसिक गतिविधि की अवस्था में होते हैं? उनकी उंगलियां और हाथ भी अनिश्चित रूप से गतिशील होते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। युवा पीढ़ी में आजकल ये बहुत अधिक हो रहा है। उनके हाथ बिना उनकी आज्ञा के अपने आप हिलते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा जागरूक होते जाते हैं तो शरीर के वे भाग जो अभी अनिश्चित हैं, वे सब स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छा के नियंत्रण में आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप ज्यादा जागरूक हैं, चेतनामयी हैं, सब कुछ होश पूर्वक करते हैं तो प्रकृति भी आप पर विश्वास करेगी। वो काफी जागरूक है, हम उसे थोड़ी और जिम्मेदारी दे सकते हैं। जब कोई बात आपके लिए ऐच्छिक हो जाती है तब आप उसे अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। क्या आप एक स्वयंसेवक हैं? स्वयंसेवक होने का अर्थ है आप हर चीज चेतन होकर होश पूर्वक करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, मजबूरी से नहीं। आप बस वही करते हैं जिसकी जरूरत है। आपका बैठने का कोई खास तरीका नहीं है, कोई भी काम करने का आपका कोई खास तरीका नहीं है। जीवन के हर भाग में, चाहे वो भीतरी हो या बाहरी, आप ये उसी तरह से करेंगे जैसे इस समय उसे किया जाना चाहिए। ऐसी गतिविधि प्रभावशाली होती है, बाकी सारी गतिविधियां व्यर्थ हैं। मान लीजिए मैं एक पहाड़ पर चढ़ रहा हूं, उस समय मेरा हृदय एक खास ढंग से धड़केगा। अगर मैं बस बैठा हुआ हूं तो मेरा हृदय एक अलग ढंग से धड़केगा, लेकिन जब मैं बैठा हुआ हूं और तब मेरा हृदय उस तरह से धड़केगा जैसा वो पहाड़ पर चढ़ते समय धड़कता है, तो ये एक व्यर्थ की गतिविधि होगी। अगर आपका मस्तिष्क, हृदय और शरीर कुछ व्यर्थ की गतिविधि करता है तो फिर आप एक व्यर्थ मनुष्य हैं। लोग अपने स्वयं के बारे में भी कुछ नहीं जान पाते। इसका कारण यही है कि बहुत सारी व्यर्थ गतिविधियां, बहुत सारी अनिश्चित गतिविधियां उनकी शारीरिक व्यवस्था के अंदर चलती है। अगर आप अपनी व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं जानते तो ये योग नहीं है। संपूर्ण योग
न तो स्वर्ग से आया है, न ही किसी शास्त्र से, और न ही किसी धार्मिक पढ़ाई या शिक्षण से। यह आया है मानवीय सिस्टम को ठीक ढंग से देखने से, उसके बारे में गहरी समझ होने से। जहां तक योग का संबंध है, योग के अनुसार यह शरीर भी दिव्य है। शिव के बारे में भी एक बात यह भी है कि वे अंगराज है। अंगराज का अर्थ है अंगों का राजा। आप शायद अंग मर्दन करते हो, जो अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया है। शिव अंगों के राजा है, क्योंकि उनका अपने सभी अंगों पर पूर्ण नियंत्रण है, और इसलिए उनका संपूर्ण शरीर ही दिव्य हो गया है। अगर आपकी शारीरिक व्यवस्था, जो कि अचेतनता से सचेतनता की ओर जा रही है, 100% चेतन हो जाए, जागरूक हो जाए, तो आपका शरीर दिव्य हो जाएगा। अगर भौतिक शरीर भी पूरी तरह सचेतन बन जाए, तो यह दिव्य शरीर होगा। यही वो बात है जिसके कारण हम शिव को अंगराज कहते हैं। ये अंग मांस के एक चेतनाहीन पिंड के रूप में भी हो सकते हैं, अथवा ये इतने चेतन, इतने जागरूक हो सकते हैं कि संपूर्ण शरीर ही दिव्य हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कि मांस के एक पिंड को एक देवता के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए। ये वही विज्ञान है जिसके द्वारा देवता बनाए जाते हैं, एक विशेष यंत्र अथवा आकार बनाकर, और उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा डालकर किसी पत्थर को भी एक दिव्य शक्ति बनाया जा सकता है। अगर एक पत्थर को एक दैवीय शक्ति बनाया जा सकता है, तो जीवित मांस के पुतले को एक दैविक शक्ति क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये अवश्य ही किया जा सकता है। धन्यवाद।